उन्होंने एक कदम बढ़कर पहाड़ पे तो चढ़ गए, उधर से वैली में, तराई में, नाले में आ गए। तराई वैली, एस्कॉल वैली। वैली में आकर देखते हैं कि जगह किस प्रकार का है, और उनके एटीट्यूड में, उनके देखने में पहाड़ से जब देखते हैं उसमें अंतर है जब हम वैली में से ऊपर देखते हैं। देखो, हमारे सब लोगों के जिंदगी में पहाड़ का मौका आ जाता है। मालूम है पहाड़ का मौका क्या है? देखो, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना करने लगे। हम सब लोगों के जिंदगी में प्रार्थना के अनुभव को पहाड़ के समान कहते हैं। हर दिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए पहाड़ के ऊपर जाते थे। पिछले 7 दिन हम पहाड़ के ऊपर थे, प्रार्थना का पहाड़। उस पहाड़ से हमें देखना है कि फ्यूचर क्या है। मगर सब लोगों के जिंदगी में तराई का भी अनुभव होता है। एवरी पर्सन हैज अ वैली सीजन इन आवर लाइफ। तराई एक सच्चाई है, हर व्यक्ति के जिंदगी में तराई एक सच्चाई है। मगर सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तराई में आपका दर्शन कभी गिर ना जाए। आपका फ्यूचर जो है, आप तराई से जाएंगे उधर, आप प्रभु यीशु मसीह की दया से पहाड़ पर चढ़कर उधर से आपके फ्यूचर के बारे में, आपके परिवार के फ्यूचर के बारे में देख ले। जब हम अंधियारे के तराई से जाते हैं उधर, आप कहीं आपका आइडिया चेंज ना, पर्वत से देखेंगे, समझ जाएंगे कि हमारे पास, हमारे साथ जो है वो परमेश्वर, बहुत बड़े परमेश्वर है। हमारे साथ जो है वो सामर्थ्यशाली है, और हमारे पास जो है हर बारी के सामर्थ्य से बहुत बड़े हैं। पर्वत के ऊपर से देखेंगे, आपका भविष्य आशीषित है। हालेलुया।